भाजीमो कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की शाम पुराना बस स्टैंड में कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। दरअसल बीते दिनों पेरिस में आतंकियों के आत्मघाती हमले से सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हो गई थी, वहीं करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना को लेकर एक ओर जहां पूरा विश्व आतंकी संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने की रणनीति बना रहा है, वहीं कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद आतंकवादियों को लेकर अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी भाजीमो कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला बिलासपुर के द्वारा पुतला दहन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री पूर्व नेता आजम खान और अन्य के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी और पाकिस्तान के जो IS संगठन है उसको वहाँ यहाँ के भारत के जो शहीद है उसके अच्छे बताते हुए जो जो भारत के देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमान किया इस तत्व में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन का आयोजन किया। पेरिस में हुए आतंकी हमले के पश्चात जिस प्रकार सारा विश्व एकजुट हुआ कि आतंक के खिलाफ सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ना है, ऐसे समय में कांग्रेसी नेताओं का सलमान खुर्शीद का मणिशंकर अय्यर का और आजम खान का ये बयान कि आतंकियों ने जो किया ठीक किया और एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है और मोदी जी के बारे में उन्होंने जो अनर्गर बयान दिया है इसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा भरसक निंदा करता है।